नमस्कार, सौभाग्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्यात्म के गूढ़ रहस्य और उसका असली सच क्या है, अध्यात्म किसे कहते हैं, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो हम अपने जीवन में तरह तरह की प्लानिंग करते हैं। पहले हम ये सोचते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी कर लेंगे, उसके बाद एक शादी होगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर उनकी शादी हो जाएगी, फिर हम रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद अगर हमें कोई काम नहीं रहेगा तो हम अध्यात्म या धर्म के बारे में सोचेंगे। लेकिन जब आपका काम ही खत्म हो जाएगा तो फिर आप जीवित भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है वो सिर्फ कर्म करने के लिए ही मिला है। और जिस दिन हमारा कर्म पूरा हो जाएगा उस दिन हमारे प्राण नहीं रहेंगे। और ये जितनी भी प्राथमिकताएं हम अपने जीवन के लिए तय करते हैं, ये हमारे शरीर के, हमारे मानव शरीर के लक्ष्य हैं। और इस शरीर को तो रहना ही नहीं है, ये नश्वर है। और जो चीज नश्वर है उसके लिए हमने इतनी प्राथमिकताएं तय कर दी है, और जो हमेशा साथ रहना है वो है हमारी आत्मा। आत्मा अमर है, ये सदियों से हमारे साथ अलग अलग शरीरों में आती रहती है। आज हमारे शरीर में आत्मा है, हमारा नाम पता दूसरा है, पहले कभी किसी और शरीर में रही होगी, उस समय उसका नाम पता कुछ और होगा। तो आत्मा शरीर को कपड़े की तरह बदलती रहती है, और वो अमर है। तो क्या आपने कभी सोचा आत्मा के बारे में? जीवन का लक्ष्य शरीर के हिसाब से तो तय कर दिया, ये शरीर का लक्ष्य आपने निर्धारित कर दिया। आत्मा का स्वरूप क्या है? आपके शरीर में आत्मा इतने सालों से रह रही है, क्या कभी जानने की कोशिश की कि आत्मा हमारे शरीर में क्यों आई है, उसका लक्ष्य क्या है, वो देखने में कैसी है, उसका स्वरूप क्या है, वो क्या चाहती है? आत्मा का एक ही लक्ष्य है, और उसका लक्ष्य है उस परम परमात्मा में मिल जाना, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के मोह से परेशान हो चुकी है। हर बार एक नए शरीर में जन्म लेते लेते यह थक चुकी होती है, इसलिए उसका मात्र एक लक्ष्य है जन्म जन्मांतर से मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आत्मा उस परम पिता परमेश्वर परमात्मा से, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसके वियोग में बहुत दुखी है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ से बिछुड़ के दुखी रहता है और हमेशा सिर्फ अपने माँ के पास ही जाने के लिए सोचता है, ठीक उसी प्रकार ये जो आत्मा है उस परम ब्रह्म का एक अंश है, एक छोटा बच्चे के रूप में है, जो उससे बिछुड़ के सदियों से जन्म जन्मांतर के मोह में बंधा हुआ है। अब वो थक चुकी है, इसलिए वो उसे अंतिम रूप से ब्रह्म से मिल जाना चाहती है। अध्यात्म उस ब्रह्म और आत्मा के वियोग को कम करती है, उसकी गैप को कम करती है। अध्यात्म आत्मा के शरीर से बाहर निकलने की यात्रा का नाम है। यह आत्मा ध्यान के दौरान ब्रह्म ऊर्जा पाकर शरीर को छोड़ती है और
ध्यान के दौरान उस ब्रह्म से साक्षात करके मिलन करके पुनः इस मानव शरीर में आती है। उसे आना पड़ेगा क्योंकि उसे निर्धारित अवधि कर्म करने के लिए दिया हुआ है, वो कर्म बंधों से बंधा हुआ है। तो इस अध्यात्म को पाने का एक ही रास्ता है, आत्मा के लक्ष्य को पूरा करने का सिर्फ एक रास्ता है, वह है ध्यान। क्योंकि ध्यान के जरिए ही हम अपने सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं, आत्मा हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती है और उसे अपनी साधारण आंखों से देखना संभव नहीं है। उसके स्वरूप को जानने के लिए, उस ब्रह्म से उसका मिलन कराने के लिए आत्मज्ञान का होना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें शून्य अवस्था में जाना होगा, और वो शून्य कोई और नहीं, वो हमारी आत्मा ही है। और जिस दिन हम शून्य अवस्था को प्राप्त करेंगे, उस दिन उस महाशून्य यानी कि ब्रह्म महाशून्य है। तो ये शून्य जब उस महाशून्य में मिल जाएगा, उस दिन आत्मा का लक्ष्य पूरा होगा। और इस लक्ष्य को पूरा करने का मार्ग अध्यात्म है। अध्यात्म ही आत्मा के लक्ष्य को पूरा कर सकती है। तो इसलिए हमें इन शारीरिक लक्ष्य के साथ साथ आत्मा के लक्ष्य को भी जरूर महत्व देना चाहिए। क्योंकि जब तक शरीर का लक्ष्य और आत्मा के लक्ष्य में बैलेंस नहीं होगा, तब तक हमें आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। शरीर का लक्ष्य जो सांसारिक लक्ष्य है, वो हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, पर उस अलौकिक सुख के लिए तो आपको अध्यात्म को अपनाना ही होगा। क्योंकि आत्मा सदियों से दुखी है इस जन्म जन्मांतर के मोह में, और अगर हम उसके लक्ष्य को छोड़ देते हैं तो हम हमेशा खुश नहीं रह पाएंगे। और जब आपके मन को एक अलौकिक आनंद की अनुभूति कराना है, तो उसका एकमात्र रास्ता अध्यात्म है। और इसके लिए सबसे जरूरी है मन की आंखों से अपने आत्मा को पहचानना, अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करना, यही अध्यात्म है। तो आशा करता हूँ आपको अध्यात्म के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।